और इन एनी केस आपको रिजल्ट्स आने और वो इकोनोमेट्रिक डिजाइन के मुताबिक इकोनॉमिक्स की जुबान में आपको रिटर्न जो है वो बेनिफिट्स जो हैं वो मुख्तु चीज़ों में रिवॉर्ड की सूरत में ली जाएंगे लेकिन वॉलरेसियन साहब क्या कहते हैं वॉलरेसियन साहब जो हैं वो कम्प्लीटली उनकी जो ड्राइव है या वो एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव जो है उनका कंप्लीटली प्रॉफिट मोटिव नीदर गेन और लॉस व्हेन द इकोनॉमिक सिस्टम इज ब्रॉट इनटू इक्विलिब्रियम द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर वो ये कहते हैं कि आप हिटन ट्रायल करें प्रायर एरर करें एवरी एरर इज एन अपॉर्चुनिटी करें बट हर चीज़ में आपको अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा अब वो काम नहीं करें बट इधर शंपीटर डिफरेंट कहते हैं शंपीटर ये कहते हैं कि आपने आइडिया किया आपने टूल्स एंड टेक्निक्स बेहतर किए आपने वेस्ट कम कर दिया आपका जो प्रॉफिट है वो ज़रूरी नहीं है जो मार्क आपने लगा रखा है उतना ही आएगा लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव के अलावा बात नहीं होगी वर्सियन जो है वो काफ़ी हद तक

जितना रिसोर्स वो डंप करके रखेंगे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे सो वॉलरेसियंस जो हैं वो अपने प्रॉफिट मोटिव को लेने के लिए या प्रॉफिट को गेन करने के लिए एट एनी कॉस्ट जा सकते हैं पीटर साहब कहते हैं कि मार्केट के शेयर को डिवाइड होने दो तो, रिसोर्सिस को डिवेलप होने दो तो, आप जया करने के बजाय या मैक्सिमम प्रॉफिट मोटिव के बनाए मुमकिन है आपका अस्सी आपका वेस्ट ज़ाया हो जाए आपके रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइज ही नहीं होते एग्जाम्पल के तौर पर दो के अंदर एक ही कंपनी थी जो 80 परसेंट के करीब पूरा टोटल मार्केट शेयर लेती थी टिश्यू की इंडस्ट्री आज आपने देखे होंगे कि उसके काफ़ी वेरिएंट हैं टॉवल पेपर अलग है टिश्यू पेपर्स अलग हैं फेस वॉश अलग है वाइप्स अलग हैं टॉवल पेपर्स और तरह अलग तो, uh, के अलग हैं तो यू कैन से दैट ये बारह पंद्रह किस्म की जो हैं आपकी टिश्यूज की प्रोडक्ट हैं अच्छा ये एक के पास था उसके बाद जब डिमांड बढ़ने लगी मार्केट के अंदर ये कमोडिटी आम हो गई एफ़ एम सी जी इसके अंदर ये आपकी ग्रॉसरी का आम हिस्सा बन गया जैसे कोई आ, मिसाला जाता आप लाते हैं इसी तरह टिश्यूज भी लाते हैं पहले एक ज़माने में आज से अगर आप पाँच दस साल पीछे चले जाएं तो आपकी अम्माएँ जो थीं वो आपके हाथ पे हल्का सी स्टक लगाती थी और कहती थी कि बेटा टिश्यू जो है वो नहीं यूज़ करना ये मेहमानों के लिए लेकिन आप जो है वो आइडिया चेंज हो गया कि बेसिक कमोडिटी बन गई है आपके घर के अंदर की चीज़ बन गई कि हर कोई नॉर्मल यूज़ कर रहा होता है मेकअप के लिए स्वेटिंग के लिए और हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता तो इसमें आइडिया देखें कि पहले ओवरऑल मार्केट शेयर एक कंपनी ले रही थी लेकिन डिमांड ज्यादा होने की वजह से इस गैप के अंदर बेशुमार और प्रोडक्ट्स आ गए और 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 प्लेयर्स आ गए मार्केट प्लेयर्स का अप होना अब वॉलरेशियन के मुताबिक वो मार्केट के अंदर और प्लेयर्स को दाखिल नहीं होने देना चाहता मार्केट में और प्लेयर्स को दाखिल इसलिए नहीं होने देना चाहता कि उसका कंप्लीट मोटिव प्रॉफिट है वेयर आज चंप्यूटर साहब कहते हैं कि इसकी डिवीजन और इक्वलबरियम जो है वो मैनेजेबल होना चाहिए और शेयर्ड होना चाहिए सो so, अब के लिए हम सिर्फ इतना समझे कि वॉलरेसियन जो है वो किस तरीके से प्रॉफिट मोटिव्स की तरफ जाएगा और चम्प्यूटर साहब ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि हमें मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज को बैलेंस आउट कैसे करना इसके बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच